मीडिया में एंकर ही होते हैं जो देश में चल रहे मुद्दों को जनता के सामने अपने डिबेट या शो के जरिए रख सकते हैं। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में अपने डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, AICTE के नए फैसलों पर वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल। दूसरा, क्या सरकार के आलोचकों के लिए अब कहीं जगह नहीं बची है। तीसरा, क्या एक दिल्ली दूसरी दिल्ली का गला घोंट सकती है। चौथा, सरकारी संस्थानों को बेच देने के सरकारी फैसले के खिलाफ आंदोलन। पांचवा, क्यों मोदी सरकार डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। पिछले हफ्ते बैंक कर्मचारियों का स्ट्राइक पर जाना सबसे अहम मुद्दा रहा, जिसे भले ही गोदी मीडिया कवर करना भूल गया हो, पर NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इसके बारे में बात करना नहीं भूले। बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिसे रवीश ने अपने शो प्राइम टाइम में दिखाया और इसके बारे में जानकारी भी दी। नोटबंदी के समय इन बैंक कर्मचारियों की कितनी तारीफ हुई प्रधानमंत्री ने की। जब ये रात दिन एक कर पुराने नोटों को गिन रहे थे, बदल रहे थे, तो इन्हें लगा कि सैनिक की तरह देश की सेवा कर रहे। बहुत से कैशियरों ने पुराने नोटों में की गिनती में हुई कमी की भरपाई अपनी जेब से खुशी खुशी की कि वे सेवा कर रहे हैं। इससे पहले कम समय में जनधन खाता खोलने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी बैंक कर्मियों को ईमेल किया था और तारीफ की। आज उन्हीं बैंकरों का भविष्य दुराहे पर है, तब ना तो प्रधानमंत्री का ईमेल आ रहा है और ना गोदी मीडिया कवर कर रहा है। कवर करेगा भी तो औपचारिकता निभा देगा। जगह जगह से प्राइवेट नौकरी छोड़कर आए सरकारी बैंकों में नौकरी करने वाले असुरक्षित। एक सुरक्षित नौकरी का सुख जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंकर नौकरी की सुरक्षा में काम नहीं करते। इन 7 सालों में उन्होंने जितना काम किया होगा वो याद है और याद भी होगा। प्राइम टाइम पर आपने बैंक सीरीज में देखा होगा, यूट्यूब पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं News24 के सीनियर पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, MSP को मिलेगी कानूनी गारंटी, खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन। दूसरा, देश में कोरोना की दूसरी लहर, लोग क्यों बेपरवाह। तीसरा, गेहूं कटाई पर बढ़ेगी लड़ाई, आंदोलन पड़ा कमजोर, बॉर्डर पर पंचायत। चौथा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्यों कहा गलत रास्ते पर है सरकार। पांचवा, सिंगूर का किसान क्यों है मजबूर। संदीप चौधरी भी अक्सर देश में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस बार भी उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर डिबेट की और इस डिबेट में उन्होंने भाजपा के नेताओं से सवाल भी किया। तो अभी तक ये पिछले 1.5 महीने से 2 महीने, बल्कि 19 तारीख है 22 जनवरी को बातचीत खत्म हो गई थी कि जी अरे MSP को कानूनी जामा पहना दिया तो सरकार पर तो 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा। तो ये खामखा का नैरेटिव बनाया जा रहा था ना, 17 लाख करोड़ वगैरह का कोई दबाव नहीं पड़ने वाला है, सरकार चाहे तो दे सकती है। इम्पोर्ट ड्रास्टिकली जो 1990 में 0.43 लाख करोड़ था, ये 2015-16 में बढ़कर 24.9 लाख करोड़ हो गया। हाँ। तो ये जो बड़ा डेफिसिट हुआ है देश की इकोनॉमी, ये इतने बढ़िया जो आंकड़े देते हैं ना प्रकाश चंद्र शर्मा, मुझे बताइए ना गिनती में बताइए कितने किसान। वो सरकार भी कहती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं किसान भी निर्यातक हो जाएगा, एक्सपोर्टर हो जाएगा। कितने किसान है देश में एक्सपोर्ट कर पाते हैं, अपने गांव से बाहर निकलकर तो बेच नहीं पाते, वो जाकर अमेरिका और यूरोप में बेचेंगे अपनी फसल को। बिल्कुल संदीप जी बेच रहे हैं, ये डेटा मैं आपको भिजवा भी दूंगा। अच्छा, बेच रहे हैं। अब बात गोदी मीडिया के एंकरों की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं Republic TV के पत्रकार अर्णब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, गैंग्स ऑफ वाजे का डायरेक्टर कौन। दूसरा, गैंग्स ऑफ वाजे का सरदार कौन। तीसरा, सचिन वाजे के कंधे पर परमबीर सिंह का हाथ। चौथा, क्या चुनाव आते ही अचानक ममता बनर्जी को हिंदू वोटर याद आ गए। पाँचवा, वोट के लिए एनकाउंटर पर धर्म जाति की सियासत। अर्णब ने कई मुद्दों पर अपने डिबेट में चर्चा की जिसमें विपक्ष और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे भी शामिल है। देखते हैं वे बंगाल में चल रहे चुनाव के मुद्दे पर क्या कहते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा बंगाल में पुरुलिया में कि ममता दीदी मंच से चंडी पाठ करने के लिए बाध्य हो गई है। राजनीतिक मंच से आजकल ममता दी चंडी पाठ कर रही है। उनका इशारा इस ओर था कि जिस बंगाल में दुर्गा मां की मूर्ति विसर्जन के लिए
सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, वहां ममता मंच से चंडी पाठ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज सही सवाल किया है कि जब ठीक चुनाव से पहले उन्हें मंदिर, हिंदू मंदिर क्यों याद आते हैं? क्या वोटिंग से पहले अचानक ममता को हिंदू वोट बैंक की याद आ जाती है? और अब तक वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, चुनावी लड़ाई डर और नफरत पर आई, नफरत पर सवार चुनाव प्रचार। दूसरा, खेला होबे वर्सेस विकास होबे, बम हिंसा और बंग युद्ध। तीसरा, लोकतंत्र की लड़ाई सद्दाम गद्दाफी पर आई, हार पर हार तो लोकतंत्र पर वार। चौथा, धर्म की धुरी पर बंगाल चुनाव, धर्मम शरणम गच्छामि। पांचवा, धर्म ना देखो अपराधी का, तुष्टिकरण करने के लिए एनकाउंटर पॉलिटिक्स। अमीश की डिबेट्स अक्सर विपक्ष पर निशाना साधती होती हैं। इस पर वे अपनी डिबेट में बंगाल में चल रही धर्म की राजनीति पर सवाल करते दिखाई दिए। देखते हैं कि वे सवाल किससे कर रहे हैं। पहले चंडी पाठ और अब ममता दीदी का दुर्गा पाठ। क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को अपनी सबसे मजबूत पिच पर ले आई है? क्योंकि पहले राम के नाम पर ममता बनर्जी को घेरा गया, ममता बनर्जी को राम विरोधी साबित करने की कोशिश हुई और इसके बाद ममता बनर्जी नारा लगा रही है हरे कृष्णा हरे हरे टीएमसी घोरे घोरे, यानी घर घर में टीएमसी। तो उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि 2014 से पहले लोग मंदिर जाने से डरते थे, लेकिन अब खुद ममता दीदी मंदिर में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी ने भी मंदिर जाना शुरू कर दिया है, हालांकि उन्हें मंदिर में बैठना तक नहीं आता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सियासी धर्म युद्ध का फायदा किसे मिलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आपने अब खुद ही देखा कि कौन किन मुद्दों को आपके लिए जरूरी समझता है। हम आगे भी दोनों तरह की मीडिया की आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।